हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद जहां सरकार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि के आरोपी सेवादारों की धरपकड़ कर रही है, साकार हरि की संपत्ति खंगाल रही है, वहीं भोले बाबा के एक अनुयायी ने बड़ा दावा किया है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवित होने का दावा किया है। जुनाबई थाना के गांव काशीपुर के दीपक उर्फ देवेंद्र बाबा का दावा है, 2020 में वह साकार हरि के सत्संग में दौसा राजस्थान गया था। पत्नी का करवा चौथ का व्रत था, सत्संग में उसकी पत्नी की मौत हो गई। लोगों ने शव को अलग डाल दिया, डॉक्टर ने भी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने साकार विश्व हरि का मंत्र पढ़ा, बाबा का जल मुंह में डाला, पत्नी जीवित हो गई। दीपक का पूरा परिवार साकार विश्व हरि की अपने घर में पूजा करता है, आरती करता है। पूरा परिवार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि को परमात्मा मानता है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मृत्यु और उसके पुनः जीवित होने का कैमरे पर चौंकाने वाला दावा किया है। वहीं वॉइस फॉर नेशन न्यूज इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। तो सर, क्या शुभ नाम है आपका, कौन सा गाँव है, हम कहां पर? ये गाँव काशीपुर है सर, और मेरा नाम देवेंद्र कुमार दीपक यादव जी। आप लोग भोले बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं, क्या अनुभव है आपके? जी, वो परमात्मा है, हम 2012 से जाते हैं, हमने बहुत कुछ करिश्मा परमात्मा की लीलाएं देखी हैं, तो हमें विश्वास है कि वो नारायण साकार हरि परमात्मा है। ये करिश्मा जैसा आप बता रहे हैं, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो जीवित हो गई, ये क्या है? जी सर, दौसा राजस्थान में हम लोग पहुंचे थे करवा चौथ में, करवा चौथ कार्यक्रम था वहां पे। तो सर, दौसा राजस्थान में कोरोना काल के लास्ट की बात है, तो प्रशासन परमिशन मिलने के बाद में ही परमात्मा ने कार्य कराया था, तो परमात्मा ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में परमात्मा चले गए अंदर के लिए। दर्शन देने के बाद फिर हम लोग आए, तो जो बहनों की साइड में हमारी तन की पत्नी बैठी थी, तो हमें बताया किसी बहन ने कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, तो हमने जाके देखा तो उनकी हार्ट बीट क्या पल्स भी नहीं थी, तो फिर हम घबरा गए, हमने कहा हे प्रभु, यहाँ आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो फिर वहां पर हमने एक निजी क्लिनिक जो होते हैं, तो हमने उनको एक दिखाया, मेरे देख लेना भैया पेशेंट है, तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहां पे एक सेवादार बहन जल पिला रही थी, तो वहां पर हमें कुछ नहीं सूझबूझ में आया, हमने कहा हो सकता है गर्मी से तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो गर्मी से हमने एक माध्यम बनाया प्रभु का, तो परमात्मा का नाम लेकर के हमने थोड़ा सा मुंह में जल डाला और सिर पे पानी वानी डाला, हाथ पैरों की मालिश की, उसके 10 मिनट बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी और सांसें आ गई। थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें, जैसे आपका ही कहना था तबीयत खराब हो गई या मृत्यु हो गई थी, ये बताइए। जी सर, जो हमने जो जिसको दिखाया था, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम किसी, हाँ वहाँ निजी क्लिनिक थे। हाँ, जैसे आप हाथरस में गए थे, फिर कैसे ठीक कैसे हुई है? जी सर, परमात्मा की रहमत है। मैं तो अपने जब से शादी नहीं हुई थी तब से जाती हूँ जी। तो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या देखे हैं आप? मैंने वहाँ पे देखा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब जाती हूँ वहाँ, जब मेरा मतलब कोई कह देता था, ये मतलब किसी माध्यम से ही जुड़ना होता है, जब वो कह देते, कोई बता देता था मुझे कि आपके दाग ठीक हो जाएंगे, आप चली जाओ वहाँ पे, तो मैं वैसे ऐसे मतलब अपने गांव से ही जाना स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तो क्या करिश्मा आपने देखे हैं वहाँ पे? मैं बस अपने मतलब प्रभु परमात्मा को, मतलब नारायण साकार जी को परमात्मा मानती हूँ बस। और वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे जाते जाते मैं चलती रही, जाने के बाद में मेरे जो दाग हैं, बहुत सारे दाग थे, ये सारे ये मेरे मतलब हो गए हैं, कम से कम रह गए। अच्छा, अब एक और चीज है, कोई महिला यहाँ इधर में मृत थी जो ठीक हो गई है बाबा के आशीर्वाद से, ऐसा कोई मामला है क्या? हाँ जी, मेरी मतलब मैं दौसा गई थी सत के साथ में, दौसा जाने के बाद मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसे दर्शन किए मैंने, दर्शन करने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब खड़ी हुई, परमात्मा चले गए, तो खड़े होने के बाद में एकदम मुझे अंधेरा सा आया, तो हाँ एक दीदी थी, तो मैंने उन्होंने उनसे मैंने कहा इनकी दीदी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, तो गर्मी की वजह से पता नहीं, तो बोली गर्मी लग गई होगी, तो कहेंगी कोई बात नहीं है, तो वो मैं ले जा रही, तो मैं चलते चलते बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई है, मैं बिल्कुल मतलब मुझे होश ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने बताया कि तुम मतलब बिल्कुल डेड हो गई थी, और देखो बिल्कुल भी जान नहीं थी तुम्हें, आपकी मौत हो चुकी है। हाँ, मेरी ये मेरी मतलब एक दीदी थी वो साथ लेके गई थी। ये कब की बात है? दौसा राजस्थान में वही वाला दौसा है ना ये? हाँ, दौसा राजस्थान। ये कब की बात है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, कौन किस सन की बात, कितने साल पहले, कुछ आइडिया है? नहीं ये नहीं पता है। ये नहीं मत, तो आपकी मौत हो गई थी? हाँ बिल्कुल। फिर कैसे जीवित हुई हैं? तो ये डॉक्टर मेरे जो तन के पति हैं, वो मतलब उन्होंने किसी ने कहा उनसे कि देखो आपकी पत्नी बिल्कुल तबीयत खराब है उनकी, देखो चल के, तो ये डॉक्टर है तो इन्होंने कहा, देखा मुझे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि मेरे बिल्कुल नब्ज नहीं थी,
बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी। और जो लोग वहाँ पे है पास में वो कह रहे थे यहाँ से ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ डेड बॉडी को, ऐसे कह रहे थे। तो इन्होंने ये कहा अभी ले जाएंगे देखो। तो इन्होंने परमात्मा का जय घोष किया, नारायण साकार हरि की, शंकुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहां से मतलब वो करके जो जल लिया था अपने मन से, आस श्रद्धा थी इनकी, तो इन्होंने वो करके तो ऐसे मतलब मेरे मुंह में पानी डाल दिया वहां से लेके, और तभी मैं उठ के मतलब मुझे बोस आ गया। अच्छा, तो आपके पति डॉक्टर है क्या? हाँ डॉक्टर है। अरे किसी सरकारी डॉक्टर ने भी चेक किया था आपको जिसने मृत घोषित किया हो? वो वहाँ पे मुझे मतलब उन्होंने ही देखा था। ये बात आप जैसे ये हादसा हुआ है यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत से ज्यादा लोगों की मौत हुई, अगर प्रभु जी की कृपा होती तो इनको भी ठीक कर देते। देखो वो तो अपने अपने कर्म के आधार पे होता है, जैसे कर्म है वैसे मिलता है, सबको फल मिलता है। वो हमेशा से मैं तो बचपन से जाती हूँ, छोटे से जाती हूँ बहुत, तो वो ये बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें मतलब सच वो होगा, और हमारे कर्म नहीं अच्छे हैं तो एक ना एक दिन हमें भी ऐसे ही जाना।